आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। बेकर्स उद्योग। कैरी बेकर्स और प्लास्टिक की थैलियों के कारण पर्यावरण तंदुरुस्त बिगड़ रहा है। यह ध्यान में रखने के बाद सरकारी कैरी बैग्स और पतली प्लास्टिक की थैलियों उत्पादन बिक्री पर बैन लगाने से कागज की थैली और कपड़े की थैलियों बाजार में बहुत मांग बढ़ी है। छोटी कोई भी खरीदी कार्य होने के बाद दुकानदार वजन में हल्की उपयोग के लिए सुविधाजनक सस्ती होने कैरी बैग्स का उपयोग बहुत बहुत बड़े प्रमाण में हुआ है। आजकल ऐसे प्लास्टिक के कचरे प्राकृतिक विघटन न होने से प्रकृति के चक्र के अनुसार प्लास्टिक ने सड़कने ने सालों साल वह प्लास्टिक के रूप के कचरा जमीन के अंदर वैसे ही रहता है। ऐसे प्लास्टिक की पतली कैरी बैग्स ढूंढे रहे हूँ। फेंक कर देने के अन्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ फेंक देने के पटकाने वाले जानकर कुत्ते हुए अन्य पदार्थ के बैग्स इन प्लास्टिक कचरों को पाचन क्रिया न होकर वह जानवरों के पेट में वैसे ही रहता है। परिणाम पटकने वाले जानवर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मतलब ही कि प्लास्टिक की थैलियों के कारण प्लास्टिक के कचरे में कारणभूत प्रवृत्तियों और अप्रत्यक्ष रूप मानवीय जीवन चक्र का विनाश होता है। आज कल छोटी बड़ी खरीदी कर वक्त दुकानदार, शोरूम, मॉल्स, विक्रेता कागजी और कपड़े की थैली ग्राहक को देते दिखाई देते हैं। ऐसी बैग्स के आज बढ़ने का गृह उद्योग रूप व्यापारी के कागज की कपड़े की थैलियों देने का व्यवसाय किया निश्चित ही अच्छा फायदा और पूरे परिवार को रोजगार मिल सकता है। कागजों के बैग्स तैयार करने के लिए रगड़ी कागजों का उपयोग किया जाता है। कच्चे माल के रूप में सिर्फ अच्छे दर्ज के कागज ही दे लगी रही है। कागज की थैलियों जो चाहिए उसे नाप कटिंग लेकर रद्दी तैयार कर सकते हैं, तो कपड़े की थैलियां के लिए नए पुराने कपड़ों को उपयोग कर सकते हैं। अत्यंत आसान पद्धति से घर बैठे थोड़ी सी जगह से थोड़ी सी भागदौड़ में महिला और पुरुषों को बैग्स तैयार कर जाएगी। कपड़े की थैलियों के लेकर जिन्हें जब उस ऑर्डर अनुसार थैलियों देनी है उस दुकानदार व्यापारी दुकानदार के विज्ञापन भी अच्छी आकर्षक पद्धति से कर सकेंगे। थोड़ी सी कल्पना का उपयोग करके नवीन युक्त ऐसे नमूने तैयार करके व्यवसाय के विस्तार बढ़ा सकते हैं। जिनके पास पाखंड की कमी है ऐसी महिला पुरुष ने नव उद्योग बेरोजगार की जरूरत के लिए यह व्यवसाय अवश्य चुनिए। मार्केट। हर मनुष्य बाजार में कभी न कभी कुछ न खरीदने लिए जाता है, इसी कारण एक थैली की जरूरत होती है। खाद्य पदार्थ पकवाने विक्रेता, मिठाइयों की स्टेशनरी दुकान, बाजार इन कई स्थानों पर बेच जाते हैं। सिर्फ थैलियों के व्यापार करने वाले कुछ होलसेल व्यापारियों की मार्केट में होते हैं। उनके मिलकर और से बाजार की मांग अनुसार आवश्यकता डिजाइन थैलियों के ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। छोटे बड़े आकार एक विशिष्ट ऐसा वजन से सकने वाले आकर्षक थैलियां तैयार करके रिटेल, होलसेल, डोर मार्केटिंग पद्धति से बेचे जा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स, रंग बिरंगी नया कुछ पुराना कपड़ा, धागा या कच्चा माल कपड़े की थैलियों के लिए कागज की थैलियों के रद्दी कागज अथवा खाकी कागज का उपयोग कीजिए। मशीनरी, कपड़े सीने का सिलाई मशीन की कपड़े की थैलियों के लिए उपयोग में ला सकता है। जो अच्छा है उतना ले लो, बुरा फेंक दो। क्रांति धीरे धीरे होती है, पल में नहीं। कर्जा, शत्रु, रोग इनको थोड़ा भी बाकी न रखो। समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।